अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान गुजरात के कच्छ में जखाउ बंदरगाह से टकरा गया। बिपरजॉय के कारण गुजरात के कई जिलों में तेज हवाएं और बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर पेड़, होर्डिंग, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। वहीं कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई है। तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ गया है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने के बाद आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। गुजरात में कल बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 23 लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बिपरजॉय का असर जामनगर में कालाबाड़ धोराजी राजमार्ग पर साफ देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के कारण राजमार्ग पर कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के मांडवी शहर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय से टकराने के बाद के प्रभाव बनासकांठा और पाटन जिलों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चक्रवात के कारण किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उनका मेजर जो पार्ट है वो निकल चुका है। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैवी रेनफॉल और थोड़ा बहुत विंड रहेगा वो अभी बनासकांठा, पाटन आदि जिलों में रहेगा। वहाँ थोड़ा भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए उन कलेक्टर के साथ हम लगातार संवाद में हैं। जो ह्यूमन डेथ है वो नो डेथ रिपोर्ट आई है अभी तक, और रेनफॉल अभी कच्छ में और देवभूमि द्वारका में जारी है। वहाँ पर कच्छ में तो तेज पवन, कभी वेलोसिटी भी, विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा है, करीब 100 के आसपास है। देवभूमि द्वारका में भी करीब 60+ विंड वेलोसिटी की रिपोर्ट आई है।